क्या काले रंग के प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक के बर्तन और प्लास्टिक के खिलौनों से आपके परिवार को कैंसर हो सकता है? रिसेंटली एक सनसनीखेज रिसर्च ये क्लेम करती है, तो आज हम जानेंगे अपने परिवार को कैसे कैंसर से बचाए और रिसर्च के बारे में सब कुछ। ब्लैक कलर्ड प्लास्टिक्स, ब्लैक प्लास्टिक एंड कैंसर, 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 टॉक्सिक फ्लेम रिटार्डेंट, आपको कैंसर हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS, MD एंड DM फ्रॉम MGH दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स, कैंसर 21वीं सदी की मॉडर्न एपिडेमिक है और सबको पता है कि कैंसर का इंसिडेंस ऑल ओवर द कंट्री एंड इनफैक्ट पूरी दुनिया में ड्रास्टिकली बढ़ रहा है। और एक मेजर कंसर्निंग पॉइंट ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन में भी कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, जो पहले ओल्डर पॉपुलेशन में मेनली होता था। और ये कई एस्पेक्ट से एक सेमी सॉल्व मिस्ट्री है। कई रीजन हो सकते हैं कि कैंसर का इंसिडेंस यंगर लोगों में क्यों बढ़ रहा है। मे बी यंगर लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं है, उनका हेल्दी बॉडी वेट नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो स्मोकिंग करते हैं या पोल्यूशन से ज्यादा एक्सपोज्ड है। बट नेवरदलेस अभी भी एक मेजर क्वेश्चन मार्क है कि कैंसर का इंसिडेंस इतनी फास्ट क्यों बढ़ रहा है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में क्यों बढ़ रहा है, और इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड में रिसर्च की जा रही है। तो एक कॉज जो लोग मिस कर देते हैं वो है केमिकल एक्सपोजर। ऑल ओवर आवर डेली लाइफ हम वेरियस केमिकल्स से हमारी बॉडी को एक्सपोज करते हैं, और ये केमिकल्स हमारी बॉडी में जाके नॉर्मल सेल्स को म्यूटेशन कॉज करती है, उनको डैमेज करती है, उनको उनमें कैंसर कॉज करती है। तो एक केमिकल पोल्यूशन या केमिकल एक्सपोजर एक अंडर अप्रिशिएटेड कॉज ऑफ कैंसर है। क्लासिकली इस लिंक के बीच में रिसर्च लिमिटेड है। कुछ केमिकल कंपाउंड हमें पता है, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गए, बेंजीन हो गया, जिनके एक्सपोजर से कैंसर का लिंक वेल एस्टैब्लिश्ड है, और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स और कैंसर का लिंक कम वेल एस्टैब्लिश्ड है। और उसको एक मिस्ट्री माना जाता है कि लोग कैसे उससे एक्सपोज होते हैं और कैसे कैंसर होता है। और हाल ही के टाइम में हम देख रहे हैं कि इस फील्ड में रिसर्च ड्रामेटिकली बढ़ती जा रही है। तो रिसेंटली एक अमेरिका में हुई रिसर्च ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे एक कैंसर कॉजिंग केमिकल की स्ट्रीम हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में हमसे और हमारे बच्चों के कॉन्टेक्ट में आ सकती है और कैंसर कॉज कर सकती है। और ये रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक नई लाइन ऑफ इंक्वायरी ओपन हुई है जो हमें समझने की जरूरत है। तो इस रिसर्च को आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि अपने परिवार को कैसे कैंसर से बचाया जाए। तो इस रिसर्च को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है एक क्लास ऑफ केमिकल्स के बारे में, जिनको FR या फ्लेम रिटार्डेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्लेम रिटार्डेंट एक क्लास ऑफ केमिकल है जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर की प्रोसेस में प्लास्टिक के अंदर मिलाया जाता है, उसको डोप किया जाता है, और इसका नेट रिजल्ट ये होता है कि वो प्लास्टिक फायर रेजिस्टेंट हो जाता है, यानी आग के एक्सपोजर में उसको आग नहीं लगती या वो मेल्ट नहीं होता। और कॉमनली हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक के केसिंग्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम की होती है, कॉमनली उसके प्लास्टिक के अंदर इसको डोप किया जाता है। क्लासिकल एग्जाम्पल है कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर की कवरिंग, माउस, वेरियस प्लास्टिक डिवाइसेस, तार, जैसे जो दीवार में तार लगती है उसकी केसिंग इत्यादि, इन सारे प्लास्टिक्स में कॉमनली FR या फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स को डोप किया जाता है और मिक्स किया जाता है ताकि इनको आग ना लगे। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्लेम रिटार्डेंट्स की भी जनरेशन है। एक ओल्डर जनरेशन ऑफ फ्लेम रिटार्डेंट है जो आज के दिन ज्यादातर कंट्रीज में बैंड है, जो कैंसर कॉज करते हैं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट कॉज करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट कॉज करते हैं, और एक न्यूअर जनरेशन ऑफ फ्लेम रिटार्डेंट है जिनमें रिस्क कम है पर एब्सेंट नहीं है। इसलिए जो प्लास्टिक की फ्लेम रिटार्डेंट डोपिंग है वो मेनली उन्हीं प्लास्टिक्स में अलाउड है जिनका मेनली खाने पीने या कॉमन रहन सहन से लिंक नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल, खाने का बर्तन या खाने का बोल यूजली फ्लेम रिटार्डेंट डोप्ड प्लास्टिक से बनाना अलाउड नहीं होता, जबकि कंप्यूटर की केसिंग में फॉर एग्जाम्पल आप फ्लेम रिटार्डेंट डोप्ड प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। और इनमें भी बेटर है कि हम नई जनरेशन के फ्लेम रिटार्डेंट यूज किए जाए जिनमें ये सब रिस्क कम है पर एब्सेंट नहीं है। इंपॉर्टेंटली, फ्लेम रिटार्डेंट ना केवल कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्ट से, बट साथ ही वो बच्चों के डेवलपमेंट को भी इफेक्ट कर सकते हैं, ब्रेन फंक्शन को भी इफेक्ट कर सकते हैं, हॉर्मोन सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को भी इफेक्ट कर सकते हैं, और लिवर और किडनी को डैमेज भी कर सकते हैं। इसलिए केमिकल इनसे एक्सपोजर कम से कम रखने की जरूरत है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इस स्टडी में बेसिकली क्या पाया गया, रिसर्च में बेसिकली क्या पाया गया। तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि उन्होंने हाउस होल्ड गुड्स लिए, जिसमें कि खाने के बर्तन, सुशी रखने की ट्रे, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स, प्लास्टिक के बच्चों के खिलौने, जैसे प्लास्टिक की टॉय कार, प्लास्टिक का बच्चे के पहनने वाला मेडल वगैरह देखा, और उनका फोकस ब्लैक कलर के प्लास्टिक पे था। मैं बताऊंगा उनका फोकस ब्लैक कलर के प्लास्टिक पे क्यों था आगे। और उन्होंने ये पाया कि ब्लैक कलर के प्लास्टिक के इन सारे आइटम्स में जो फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल है उसका लेवल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ना के बराबर हो, उसकी बजाय हजारों गुना ज्यादा था। इनफैक्ट कुछ प्लास्टिक में उसका लेवल इतना हाई था कि 2-3% प्लास्टिक सिर्फ फ्लेम रिटार्डेंट का बना हुआ था।
और इतने हाई लेवल की चीजें हमारे खाने पीने के आइटम में और हमारे बोल्स में और यूटेंसिल्स और बच्चों की चीजों में इन्वॉल्व थे, जिससे जो लोग उनका डेली या कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट करते हैं, उसको मुंह में डाल रहे थे या उसमें खाना पकाते उसमें गर्म करते, डेफिनेटली लोगों को हाई लेवल ऑफ प्लास्टिक फ्लेम रिटार्डेंट एक्सपोजर उस प्लास्टिक के कॉन्टेक्ट के थ्रू हो रहा था। एंड दे वर शॉक टू सी कि मेजोरिटी ऑफ दीज आइटम्स इवन इन अ कंट्री लाइक यूएस, जहां पे आम आदमी की सेफ्टी का सिस्टम इंडिया से कंपेयर्ड मच बेटर डेवलप्ड है, उस कंट्री के अंदर भी दे वर शॉक टू सी कि इन फूड आइटम और इन सब आइटम में फ्लेम रिटार्डेंट का लेवल इतना हाई था। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फ्लेम रिटार्डेंट, ये जो टॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल थे, ये ब्लैक कलर के प्लास्टिक में कैसे घुस गए? तो ये आपको बिल्कुल समझने वाली बात है, ये रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू ब्लैक कलर के प्लास्टिक में घुस गए। तो जब प्लास्टिक का आइटम हमारा खराब हो जाता है, हम उसको फेंक देते हैं, रद्दी में डाल देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जब प्लास्टिक है उसको रिकवर करके मेल्ट करके केमिकली प्रोसेस करके फ्रेश प्लास्टिक की शीट्स बनाई जाती है और उससे नए सब्सटेंस बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि किसी वायर की केसिंग में जो प्लास्टिक था उसको रिकवर करके रिसाइकल्ड प्लास्टिक बना दिया और रिसाइकल्ड प्लास्टिक से उन्होंने खाने का बर्तन बना दिया, खाने की यूटेंसिल बना दिया या बच्चे का खिलौना बना दिया। तो अनफॉर्चुनेटली जो ओरिजिनल प्लास्टिक था उसकी इंटेंशन नहीं थी कि उसको खाने की चीज में या बच्चे की चीज में यूज किया जाए, बट बिकॉज वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक का बना हुआ था इसीलिए वो प्लास्टिक जो पुराना डोप्ड था केमिकल से, वो नए प्लास्टिक में सेम केमिकल आ गए और खाने पीने के आइटम में और बच्चों के आइटम में प्लास्टिक ऐड हो गया। और ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की कंटामिनेशन की प्रोसेस है। अनफॉर्चुनेटली रेगुलेशंस आज भी इस एरिया में इतने टाइट नहीं है कि इन चीजों को डिटेक्ट किया जाए। और व्हाट हैपेंड इज कि जिस तरह के प्लास्टिक में इस तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए था, उस तरह के प्लास्टिक में ऐसा कंटामिनेटेड प्लास्टिक पहुंच गया और उससे ये चीजें बना दी गई और घरों में बेच दी गई। तो दैट वॉज द मेन मैकेनिज्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन इन रिसाइकलिंग। ब्लैक कलर के प्लास्टिक में केमिकल आ गए और मेनली ब्लैक कलर की प्लास्टिक की चीजों में ही इस तरह के अडल्ट्रेंट्स या डोपेंट्स होते हैं जो खाने पीने के चीजों में और बच्चों के कॉन्टेक्ट आने वाली चीजों में आ गए। और ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का एक कमी या एक डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। इनफैक्ट रिसर्च कंपनी ने यही हाइपोथेसिस सोचा कि रिसाइकलिंग के थ्रू शायद ये ब्लैक चीजों से ब्लैक चीजों में इस तरह के केमिकल्स आ गए। और यही हाइपोथेसिस का प्रूव हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ ब्लैक फूड आइटम या चिल्ड्रन आइटम में इस तरह के फ्लेम रिटार्डेंट की डोपिंग प्रेजेंट है जो डेंजरस हेल्थ रिस्क प्रेजेंट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे कि इस रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है और इस रिसर्च से आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च इंपॉर्टेंट क्यों है। फ्रेंड्स, ये रिसर्च वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फर्स्ट काइंड ऑफ रिसर्च है जिसमें एक मैकेनिज्म दिख रहा है कैसे हार्मफुल कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस लोगों की डेली लाइफस्टाइल में, उनके फूड चेन के थ्रू उनकी बॉडी में घुस सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है और एक्सपेक्टेड है कि इस रिसर्च के माध्यम से और ऐसी डिस्कवरीज होगी और गवर्नमेंट और इंडस्ट्री साथ मिलकर कोशिश करेगी कि इस तरह का केमिकल या प्लास्टिक कंटामिनेशन से लोगों को हार्म ना हो। बहुत सारे डॉक्टर से यदि आप पूछोगे कि सर क्या केमिकल एक्सपोजर से कैंसर होता है, तो डॉक्टर कहेगा हाँ, पर पूछेंगे कि सर हमें केमिकल एक्सपोजर कैसे होता है, तो डॉक्टर बोलेगा अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि जो हाउस होल्ड प्लास्टिक है उसके कॉन्टेक्ट से कैंसर होता है। तो ये वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्च शो करती है कि हाउस होल्ड प्लास्टिक एक्सपोजर से कैंसर कॉजिंग केमिकल आदमी के कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं और उसकी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट लेवल पे और इंडस्ट्री लेवल पे रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज आने की जरूरत है ताकि इस तरह के प्लास्टिक डेंजरस प्लास्टिक प्रोडक्ट आदमी के एक्सपोजर में ना आए, उनकी फूड चेन में ना आए और फैमिलीज को, बच्चों को और बड़ों को इस चीज से बचाया जा सके। सेकंड चीज है कि आप लोग क्या कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन के बाद खुद को कैंसर से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कुछ चीजें हैं जो मैं अपने डेली लाइफ में ऑलरेडी करता हूं और आपको भी करना चाहिए। वन इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना पॉसिबल हो आर्टिफिशियल या फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड केमिकल से या केमिकल आइटम से अपने आप को दूर रखना। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा सिंपल चीज है, मेरे घर पे पानी जो फ्रिज में रखा जाता है वो प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखा जाता है। मैं या तो स्टेनलेस स्टील की बोतल या कांच की बोतल यूज करता हूँ ताकि प्लास्टिक एक्सपोजर इन फूड आइटम से ना हो। तो डेली लाइफ में खासकर जो चीजें खाने पीने के अराउंड है, फॉर एग्जाम्पल जो यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं, माइक्रोवेव में जो चीजें हम डालते हैं गर्म करने के लिए, खाना जिस तरह के डब्बों में रखते हैं या पानी जिस तरह के डब्बों में रखते हैं, इन सबका ट्राई करना चाहिए कि इनमें प्लास्टिक एक्सपोजर कम से कम हो। स्पेशली जो जिस तरह का प्लास्टिक इस रिसर्च में आइडेंटिफाई किया गया है, दैट इज ब्लैक कलर वाला प्लास्टिक और रिसाइकल वाला प्लास्टिक। बट एज अ डे टू डे एफर्ट कोशिश कीजिए कि कम से कम फूड आइटम और जो आइटम हमारे बच्चों के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं उनमें प्लास्टिक का एक्सपोजर किसी भी तरह का कम से कम हो और जितना पॉसिबल हो इनको हम इन चीजों से बचा के रखें। कोई भी चीज यदि आप गर्म कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रोवेव में कर रहे हैं, चाहे आप तवे पे कर रहे हैं,
कोशिश करें कि उसको प्लास्टिक के आइटम से ना तो गर्म किया जाए ना प्लास्टिक की कोई आइटम उसके अंदर डिप कर किया जाए, ताकि केमिकल यदि कोई प्लास्टिक में है भी तो लीच होकर फूड में ना आए, जिससे उनकी फूड चेन में घुस जाए। यदि बच्चों का किसी प्लास्टिक टॉय या प्लास्टिक से एक्सपोजर है तो इट शुड बी इंश्योर्ड कि वो टॉय रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बने होने के बजाय फ्रेश या अनरिसाइकल्ड प्लास्टिक का बनाओ, और स्पेशली ब्लैक कलर के प्लास्टिक के कॉम्पोनेंट टॉय में ना हो। यदि बच्चे के लिए हम कोई खिलौना या कोई प्लास्टिक की चीज ले रहे हैं तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और हाई क्वालिटी इंडस्ट्री जिसमें बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक यूज होता है वो यूज हो, ताकि बच्चों को इस तरह का कंटेमिनेशन या एक्सपोजर ना हो। और ओवरऑल आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स से अपना डे टू डे एक्सपोजर कम से कम रखे, आर्टिफिशियल केमिकल से इतना पॉसिबल है दूर रहे, और डे टू डे कोशिश करके घर में लोग इन चीजों से कम से कम एक्सपोजर रहे टू एंश्योर मिनिमम एक्सपोजर टू केमिकल्स विच माइट बी हार्मफुल। हार्मफुल केमिकल के टॉपिक को हमने अपने चैनल पे बहुत बार डिस्कस किया है, एंड यदि आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो सिमिलर हार्मफुल केमिकल्स के बारे में और जानकारी जरूर जानेंगे और सीखेंगे कि अपने परिवार को इस तरह के टॉक्सिक से कैसे बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंटली कुछ न्यूज आउटलेट्स ने इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करी है, पर मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्च अंडर द रेडार जा रही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस रिसर्च के इंपॉर्टेंस को समझें। ये बस एक सोचो कि हमें किचन में कॉकरोच दिखा है, पर उसका मतलब ये है कि किचन में हजारों सैकड़ों कॉकरोच और है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंटर है कि किस तरह हमारे लाइफ में कैंसर कॉजर केमिकल आ सकते हैं, हमें एक्सपोज कर सकते हैं और हमारा कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो इस चीज को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। कैंसर से रिलेटेड टॉपिक के बारे में यदि आपको इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। हमारे चैनल का मेन पर्पज है कि वर्ल्ड की बेस्ट कैंसर जानकारी, वर्ल्ड की बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारी कंट्री के लोगों को उनकी भाषा में मिले। और इस मिशन से जुड़ने के लिए चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।